दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं, उनकी पार्टी और खुद मोदी जी चुनावी प्रचार में अपनी कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं। आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना से लेकर स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री आवास योजना तक हर दिन सैकड़ों सुर्खियां हेडलाइंस पाती है और अब चुनाव के वक्त राजनीतिक युद्ध के मैदान में उबलने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले ये योजनाएं बयानबाजी में खो जाए, इनकी सच्चाई के बारे में, मोदी की गारंटी के बारे में इनके किए गए वादों को जानने का वक्त आ गया है। क्योंकि इस बार के बीजेपी के घोषणा पत्र का टाइटल है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है। बीजेपी के मुताबिक 2014 में लोगों के बीच आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए, लेकिन हकीकत में 2014 की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, 2019 से लोगों के साथ विश्वासघात किया और 2024 में क्या करेंगे ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट में बीजेपी के वादों का स्टेटस आखिर है क्या। आज के पार्ट वन में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार रोकने और गंगा सफाई जैसे वादे जो अभी भी अधूरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम से 50 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जन कल्याण, अर्थव्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कृषि जैसे मुद्दे से जुड़े 85 प्रमुख वादे किए गए थे। इनमें से कुल 13 प्रमुख वादे ऐसे हैं जो बीजेपी के राजनीतिक और हिंदुत्ववादी एजेंडे में फिट बैठते हैं। बीजेपी ने इनमें से 7 वादे पूरे किए जबकि 6 वादे अभी भी अधूरे हैं। वादा नंबर 1, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयास। बीजेपी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयास का वादा अभी अधूरा है। इस वादे पर काम तो चल रहा है, लेकिन भारत मुक्त भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि विपक्ष भ्रष्टाचार मुक्त पर काम कर रही है। बीजेपी दूसरे पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि पिछले 8 सालों में जो 2,00,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाते थे उनको बचाकर देश की भलाई के काम में लगाने का प्रयास सफल हुआ। केंद्र सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कहती आई है। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ी है। हालांकि 1995 से हर साल भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 39 अंकों के साथ 180 देशों में से 93 स्थान पर है, जबकि 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। वादा नंबर 2, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाना। दोस्तों, बीजेपी का यह वादा अधूरा है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA पारित किया गया। इसका मकसद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। 1 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने बताया कि 2018 में अब तक विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। हालांकि केंद्र सरकार इन भागे हुए 10 लोगों को वापस देश लाने में नाकाम रही। बीजेपी ने अपने वादे में कार्रवाई तेज करने की बात कही थी, लेकिन रिजल्ट बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य। मोदी सरकार का ये वादा भी अधूरा है, यानी मोदी की गारंटी अधूरी है। साल 2014 में बीजेपी की सरकार बनते ही नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई,
जिसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाना था। मीडिया को आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2022 तक सरकार इस योजना के लिए जारी हुए 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 27% ही खर्च कर पाई। दिसंबर 2022 में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा कि नमामि गंगे योजना के तहत अभी तक 30,458 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ कुल 353 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 178 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। संसद में गंगा की सफाई के सवाल पर सरकार का एक सा जवाब रहा है कि नदी की सफाई सतत प्रक्रिया है। हालांकि समय समय पर गंगा की सफाई के लिए अर्ध गंगा मॉडल जैसी अन्य योजनाएं भी आई, लेकिन अभी गंगा की पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका। 14 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 195 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से 109 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 2,664 एमएलडी मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता का निर्माण और पुनर्वास हो चुका है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने दिसंबर 2026 तक 7,000 एमएलडी की ट्रीटमेंट क्षमता को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा है। सरकार की उदासीनता का स्तर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बीते 6 सालों में केवल एक बार बैठक हुई है, जबकि नियमतः इसे हर साल होना चाहिए था। वादा नंबर 4, एनआरसी लागू करेंगे। बीजेपी का यह चुनावी वादा भी अधूरा है। 20 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी, इसमें किसी भी धर्म के आधार पर लोगों को बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इसके करीब 2 महीने बाद ही 22 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा कि उनकी सरकार में 2014 से आज तक एनआरसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआरसी लागू किया गया है। अमित शाह और मोदी के इन बयानों से पैदा हुए विरोधाभास की खूब चर्चा हुई थी। 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी की गई। उधर मणिपुर ने साल 2022 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें केंद्र से मणिपुर में एनआरसी लागू करने की मांग की गई। एनआरसी को लेकर विपक्षी दलों ने लगातार शंकाएं जाहिर की है और विरोध भी किया है। एआईएमआईएम के मुखिया ओबीसी जैसे कई नेता ने इसे देश के मुसलमानों के साथ अन्यायपूर्ण बताया है। 2024 के संकल्प पत्र में एनआरसी नहीं है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की बात कही गई है। वादा नंबर 5, एक देश एक चुनाव। एक साथ सभी चुनाव करा पाना अभी भी दूर की कोड़ी है। इसके लिए बीजेपी के प्रयास का वादा भी अधूरा है। दोस्तों, 1967 तक देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव हुए, लेकिन इसके बाद यह क्रम टूट गया। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पुराना चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने के पक्ष में थे। 1999 में जब अटल की सरकार थी, तब एक कानून आयोग की रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। सरकारें बदलने के साथ एक देश एक चुनाव की बहस भी चलती रही। 2014 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा वह सभी दलों से विमर्श करके ऐसा तरीका बनाना चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। अब का स्टेटस ये है कि इसको लेकर 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसने 14 मार्च 2024 को 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस कमेटी ने
62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें से 47 राजनीतिक दलों ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर हामी भरी, वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। वादा नंबर 6, समान नागरिक संहिता बनाना। समान नागरिक संहिता लागू करने का बीजेपी का वादा भी अधूरा है। संविधान के आर्टिकल 44 यानी राज्य की नीति निदेशक तत्वों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक लागू करने की बात कही गई है। अभी देश में नागरिकों के लिए समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करना नहीं हो पाया। इसे लेकर समय समय पर विरोध भी किया गया है। अभी तक सिर्फ गोवा में यूसीसी लागू है, वहीं फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा में भी यूसीसी ध्वनि मत से पारित हो गया। वादा नंबर 7, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। बीजेपी का यह चुनावी वादा अधूरा कहा जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए पहली बार 1996 में एक बिल लाया गया। 27 साल बाद 20 सितंबर 2023 में ये बिल लोकसभा से और फिर 22 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी। इस तरह बिल लागू होने के लिए जरूरी कानूनी जरूरतें तो पूरी हो चुकी, लेकिन परिसीमन और जनगणना पूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन की कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही की जाएगी और इसलिए 2029 के बाद ही महिला आरक्षण विधेयक लागू हो सकेगा। वादा नंबर 8, राम मंदिर निर्माण। दोस्तों, बीजेपी ने अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे के तहत यह वादा पूरा किया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया गया। वादा नंबर 9, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करेंगे। दोस्तों, बीजेपी का यह वादा पूरा हो गया है। 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद CAA कानून बन गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 4 साल से ज्यादा वक्त के बाद आम चुनावों से ठीक पहले 11 मार्च 2024 को देश भर में लागू कर दिया। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। हालांकि CAA को लेकर देश के मुसलमानों में शंकाएं रही है। कई मुस्लिम नेताओं ने इसे मुसलमानों के प्रति भेदभाव वाला कानून बताया है। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को डर है कि CAA के बाद केंद्र सरकार NRC लाएगी और इसके तहत उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। मुस्लिम वर्ग का यह भी कहना है कि CAA के तहत पड़ोसी देशों के मुस्लिम शरणार्थियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वादा नंबर 10, धारा 370 35A का निर्मूलन। दोस्तों, बीजेपी ने अपना ये वादा पूरा किया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के प्रभाव को खत्म कर दिया गया था। इसके तहत राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। लगभग 4 साल बाद 11 दिसंबर 2023 को
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को वैध माना। हालांकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के निर्णय को कांग्रेस, पीडीपी, AIMIM और JDU जैसे कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। वादा नंबर 11, मतदान के लिए एक मतदाता सूची का प्रयास। दोस्तों, एक मतदाता सूची के प्रयास का बीजेपी का वादा पूरा कहा जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर विचार और सुझाव के लिए बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी से सिंगल वोटर लिस्ट लागू करने के तरीकों पर भी सुझाव मांगे गए थे, जिसके जवाब में कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के लिए एक मतदाता सूची और पहचान पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। वादा नंबर 12, तीन तलाक के लिए कानून। तीन तलाक, तलाक के बिद्दत के उन्मूलन का बीजेपी का वादा पूरा हुआ है। तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए मुस्लिम महिला विवाहाधिकार संरक्षण विधेयक 2017 में लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते राज्यसभा में अटक गया था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को 6 महीने के अंदर तीन तलाक पर कानून बनाने का निर्देश दिया था। 2019 के चुनाव के बाद सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ तीन तलाक के बिल को फिर से सदन में पेश किया और इस बार ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इस कानून के बनने से इस्लाम में तलाक के तीन तरीकों से एक तलाक की बिद्दत, एक साथ तीन तलाक देकर शादी तोड़ना गैर कानूनी हो गया। इस तरह से तीन तलाक देने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं इस्लाम में तलाक के एक और तरीके तलाक ए हसन, 3 महीने में 3 बार तलाक देकर शादी तोड़ना की वैधता को भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। यह मामला अभी भी जारी है। वादा नंबर 13, भारत गौरव योजना की शुरुआत। बीजेपी की यह योजना शुरू करने का वादा पूरा हुआ है। नवंबर 2021 में भारत गौरव योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरे अनुभाग स्थापित किया गया है। इससे पहले रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे। इस अभियान का उद्देश्य भारत में ट्रेन के जरिए सांस्कृतिक विरासत व भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन और देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी के लिए पहली भारत गौरव ट्रेन 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने, CAA, तीन तलाक, एक देश एक चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे और देश की बहुसंख्यक आबादी को साधने की कोशिश के तहत आते हैं। राम मंदिर का मुद्दा देश दुनिया के हिंदुओं को आकर्षित करता है। असम में NRC लागू करने के उद्देश्य यह संकेत देना है कि हम असमिया हिंदू के साथ है। धारा 370 के उन्मूलन के पीछे यह उद्देश्य भी था कि पूरे देश के बहुसंख्यकों को में यह संदेश जाए कि हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह देश में मिला लिया है। एक देश एक चुनाव एक राजनीतिक वादा है। पूरे देश में अलग अलग भौगोलिक सरकमस्टांसेस है, ऐसे में एक साथ सभी चुनाव कराना मुश्किल है। सरकार को कम से कम एक राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक साथ सभी निकाय और विधानसभा चुनाव कराने की शुरुआत करनी चाहिए थी। सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची के प्रयास का वादा धराशायी है। चुनाव आयोग की सूचियां बदल देता है। लोकसभा चुनाव की सूची में जिसका वोट होता है उसका विधानसभा चुनाव में कट जाता है। तीन तलाक के मुद्दे पर कानून बनाने के बाद सरकार को यह आंकड़े भी जारी करने चाहिए कि कितनी मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा मिला। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मोदी सरकार के और कितने वादे, कितनी गारंटियां अधूरी है उस पर चर्चा करेंगे। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और घंटी जरूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।